स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आप लोगों को एक विशेष जानकारी देने वाला हूँ। जानकारी तो छोटी सी है, लेकिन लगभग हर बच्चे के मन में थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है इसको लेकर। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, प्लस आप अगले 10 लोगों को समझा भी सकते हो। मैं बात करने वाला हूँ आईटीआई की मार्किंग सिस्टम, आईटीआई के मार्कशीट का, आईटीआई के पेपर का, क्वेश्चंस का, कितने नंबर पासिंग पर होते हैं, मतलब कैसे आप पास कर सकते हैं, मिनिमम कितना चाहिए, कौन सा पेपर ऑनलाइन कौन सा ऑफलाइन, एग्जैक्टली आपके सामने पूरा डेटा है। और मैं कोशिश करूंगा कम से कम समय में बेहतरीन तरीके से आपको बता दूं कि आप तो आज के बाद किसी से पूछना नहीं पड़ेगा आपको कि हाँ भाई कौन से नंबर, कहाँ से नंबर, कितने नंबर वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बता दूं कि ये 2 वर्षीय आईटीआई जो है एनसीबीटी से मान्यता प्राप्त, उनके लिए जो फॉर्मेट है मैं बता रहा हूँ उनके लिए लागू होने वाला है। किसी भी ट्रेड से, इंजीनियरिंग ट्रेड है जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, उसके अलावा मशीनिस्ट वगैरह, इस प्रकार की जो भी ट्रेड है इंजीनियरिंग के अंतर्गत, सब पे ये लागू होता है। ठीक है, अलग अलग ट्रेड का पूछने की जरूरत नहीं है, कॉमन है सबके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले कि पेपर कितने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने साइड में आपके लिख दिए हैं, आपके पेपर एक होता है ट्रेड थ्योरी का, दूसरा होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, तीसरा होता है ट्रेड प्रैक्टिकल, और चौथा होता है सेशनल, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट या FA भी बोला जाता है, जो कि आईटीआई कॉलेज कराता है। और आईटीआई कॉलेज सेशनल की डेट अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे भी कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। ऊपर मैंने एक मार्कशीट का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इसमें आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले नंबर पर आप यहां पर देख रहे हैं ट्रेड थ्योरी, जिसको मैंने यहां पर बॉक्स में कर रखा है 1। ठीक है, सेकेंड नंबर पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये हो गया आपका। ये थर्ड वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग पहले हुआ करता था, बट अब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्क्स का जो हिस्सा है ना, मार्क्स मैक्सिमम यहाँ पर ब्लैंक है, सिक्योर भी ब्लैंक है, ये खाली एरिया है किसका, WCS और ED। तो इनका क्या हुआ ये भी आपको पता है, प्लस मैं बता भी दूंगा। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट आपका बचता है यहाँ पर ट्रेड प्रैक्टिकल, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर बॉक्स कर रखा है अलग से, और फॉर्मेटिव असेसमेंट जो आपका लास्ट फोर्थ है। ठीक है, अब बात करें मार्कशीट टोटल कितने नंबर की होती है। तो मार्कशीट टोटल होती है 600, 600 नंबर की मार्कशीट होती है, जिसमें आप जो भी पाते हैं उतने नंबर के बेसिस पर आप परसेंटेज निकालते हैं। जैसे अगर आप 600 में इस बच्चे ने 500 नंबर पाया, 506 नंबर, तो परसेंटेज निकालेंगे इस बेसिस पर। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जो कि कॉलेज के द्वारा दिया जाता है, कॉलेज पर सेशनल मार्क्स कहते हैं, एग्जाम कराया जाता है, या फिर जिसको मंथली टेस्ट भी कह सकते हैं, जिस प्रकार से भी कॉलेज इसको करा रहा हो, तो 200 नंबर मैक्सिमम दिया जा सकता है। ये 200 नंबर का पेपर होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, जिसमें पास करने के लिए 60% चाहिए होता है। पहले यहाँ पर देखिए आदेश है, एक लेटर दिया गया था 2022 में DGT की तरफ से, इसमें ये चीजें बताई गई थी, जिसमें ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो थ्योरी वाले पेपर हैं, यानी जो ऑनलाइन पेपर होते हैं थ्योरी वाले, मैं बताऊँ कौन कौन से थ्योरी हैं, उनमें पास होने के लिए 33% चाहिए आपको। उसके अलावा प्रैक्टिकल और फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी दो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल और फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपको पास होने के लिए 60% चाहिए, यानी 100 में से 60 नंबर पर आप पास होते हैं। जबकि थ्योरी और थ्योरी वाले जो सब्जेक्ट हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन वगैरह जैसे ये सब सब्जेक्ट हैं, उनके लिए जो है 33% मार्क्स है। अब किसमें अलग अलग पास होना है ये चीज मैं बात कर लेता हूँ। तो मैंने नीचे एक साइड में लिख रखा है, देखिए WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग ये ऑलरेडी उठकर चले गए हैं इसके अंदर, किसके अंदर, ट्रेड थ्योरी के अंदर चले गए हैं। तो इनका नामो निशान खत्म है, भले ही इनको पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना है, 30-40 घंटे का सिलेबस भी काफी कम कर दिया गया है, और इनके क्वेश्चन भी नाम मात्र के पूछे जाते हैं। तो ये दोनों कहा जाए तो ट्रेड थ्योरी का एक हिस्सा हो गया है, इनका नाम ना लिया जाए तो बेहतर है। अब आईटीआई में मेन सब्जेक्ट कौन से हो गए, ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी, उसके बाद ट्रेड प्रैक्टिकल और सेशनल, ये हो गए। ठीक है, अब बात करें नव क्वेश्चंस की, तो ट्रेड थ्योरी जो होता है, ट्रेड थ्योरी का जो आपका पहला पेपर है, ये पेपर कैसे होगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये पेपर आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो जो आपकी ट्रेड थ्योरी है, जैसे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के आपके 38 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चंस होंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन होंगे, लेकिन ओवरऑल जब बात करेंगे पेपर कौन सा होगा, पेपर ट्रेड थ्योरी का होगा। ईडी और वर्कशॉप कैलकुलेशन का आपको नाम देखने को कहीं पर नहीं मिलेगा, और जल्दी समझ में भी नहीं आएगा कि ईडी और वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन है कहाँ, क्योंकि ऑलरेडी वो थ्योरी के अंदर ही मिक्स रहेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, तो इन दो सब्जेक्ट को अलग से पास करने की जरूरत भी नहीं होती है, किसको, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग को अब अलग से पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो 2022 के आगे जो भी ये सत्र चल रहे हैं, जो एग्जाम 2022 में हुआ, 2023 में जो एग्जाम होने वाला है जुलाई में, या फिर आने वाले 2024 में, अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो यही सिस्टम चलता रहेगा। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चंस को अगर आप ऐड करते हो 38, 6 और 6, टोटल मिलाकर आपके 50 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हो गया,
और टोटल कितने नंबर पेपर हो गया, ये 100 नंबर का पेपर हो गया। इस 100 नंबर के पेपर में आपको अलग से मतलब पास होना है, तो कितना नंबर चाहिए आपको, 33 मार्क्स चाहिए। यानी थ्योरी के पेपर में पास होने के लिए कम से कम आपके पास 33 मार्क्स आने चाहिए, और ये पेपर आपका ऑनलाइन होगा। उसके बाद दूसरी बात करें जिसको सीबीटी एग्जाम कहते हैं, ठीक है, ये सेंटर्स पर होता है, ये आपके आईटी कॉलेज पर नहीं होता है, ज्यादातर बाहरी सेंटर इसके अलॉट होते हैं। उसके बाद बात करें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि दूसरा सब्जेक्ट है हमारा, इसमें 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी का अपना 25 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल क्वेश्चन जो पेपर है वो 50 नंबर का, और पास करने के लिए आपको चाहिए होगा 17 नंबर चाहिए होगा, ठीक है, 17 नंबर पर आप पास हो सकते हो, और ये भी पेपर आपका ऑनलाइन होगा। और कई बार एक केस और सवाल आपके मन में आ सकता है कि ये वाला पेपर ऑनलाइन हो रहा है, ये ऑनलाइन हो रहा है, तो क्या दोनों अलग अलग डेट पर होंगे या एक साथ होंगे, तो ये डिपेंड करता है। कई बार एग्जाम में पहले भी देखा गया, कई बार पेपर दोनों एक साथ करा दिए गए, और कई बार इसकी डेट अलग होती है और इसकी डेट अलग होती है, तो एक पेपर हो सकता हो कि अलग, ये पेपर दूसरे डेट में हो जाए, ये पेपर दूसरे डेट में हो जाए, लेकिन सिस्टम क्या है पासिंग का, ये सिस्टम मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड प्रैक्टिकल की बात करें, तो ट्रेड प्रैक्टिकल ज्यादातर सेल्फ सेंटर यानी आपके आईटीआई कॉलेज पर ही होता है, एग्जामिनर बाहर के आते हैं, गवर्नमेंट द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं। ये 250 नंबर का ट्रेड प्रैक्टिकल होता है, ये पेपर ऑफलाइन होता है, ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिकल लिखना होता है कॉपी पर, और प्रैक्टिकल को जॉब को बनाना होता है, ठीक है। और ये पास कितने पर करते हैं, तो मिनिमम 150 नंबर आप पाओगे तो प्रैक्टिकल में पास हो जाओगे, ठीक है। अगर आप नॉर्मल क्लासेज अच्छे जाते हो तो आपको प्रैक्टिकल में अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं, 150 छोड़िए, आपको 200+ 230-240 नंबर आसानी से मिल जाते हैं, अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट है कॉलेज के। तो उसके बाद बात करें सेशनल एग्जाम, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये कॉलेज अपने बिहाफ पर आपको देता है, 200 नंबर में 120 नंबर मिनिमम चाहिए, उसके नीचे अगर आपको नंबर मिलेगा तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। और ये पेपर ऑफलाइन इसलिए दिया मैंने क्योंकि एक कॉलेज का आप अपने तरह से कराता है, उसको मंथली टेस्ट के रूप में दे सकता है या 3 महीने पर एग्जाम करा सकता है, तो ये है सिस्टम। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो थ्योरी में देखिए 100 लिखा हुआ है, 100 में ये बच्चा कितना पाया था, 40 नंबर पाया था, इसी प्रकार से यहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी का 50 है, 50 में कितना पाया है बच्चा, 32 नंबर पाया हुआ है, तो ये सिस्टम है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया ओवरऑल सभी सब्जेक्ट कितने हैं, ठीक है, उसके अलावा कितने क्वेश्चंस आने हैं, किस सब्जेक्ट में अलग से पास होना है, और मिनिमम पासिंग परसेंटेज जो है वो बता दिए, कौन सा पेपर ऑनलाइन है, कौन सा ऑफलाइन है वो भी मैंने बता दिया, और टोटल मार्कशीट आपकी 600 नंबर की होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मुझे नहीं लग रहा कि आज के बाद आपको दोबारा किसी से ये चीज पूछना पड़ेगा। उसके अलावा भी ऐसा कोई पॉइंट है जो मैं मिस कर गया हूँ तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा इस चीज को लेकर, और इस चीज को अगर आपको कंफ्यूजन है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, थोड़ा स्लो करके फास्ट करके, यूट्यूब में तो सेटिंग भी है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, हालांकि मैंने कोशिश किया है कि सब कुछ सही से बता दूं। उसके अलावा अगर आप आईटीआई परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं प्लस अपने नॉलेज को भी इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप है, वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक छोटी सी फीस देकर कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्री कंटेंट के लिए पीडीएफ और ऑनलाइन टेस्ट वगैरह, एग्जामिनेशन के टाइम पे मॉडल पेपर, ये सब आपको इस वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध रहता है। इस वेबसाइट को आप रेगुलर विजिट कर सकते हैं, अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग कोर्स वाले सेक्शन में जाकर चीजों को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आज आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। प्लस मैं ये भी बता दूं कि ये जो मैंने चीज बताई है ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों पे लागू होता है, ऐसा नहीं फर्स्ट ईयर में कुछ और होगा सेकेंड ईयर में कुछ और होगा, जैसा फर्स्ट ईयर में होगा वैसे आपका सेकेंड ईयर में भी होगा। तो ये सिस्टम है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और ऐसा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें, और नए बच्चों को ग्लोबल आईटीआई के बारे में भी बताना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।